हिंदू धर्म में गोपाष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़ों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गोपाष्टमी हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से मथुरा वृंदावन समेत ब्रज क्षेत्रों का प्रसिद्ध त्योहार है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए इस दिन गायों की पूजा करना बहुत शुभ और फलदायी होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके नीचे सभी ब्रजवासियों ने बाढ़ से बचने के लिए शरण ली। ब्रज क्षेत्र में 7 दिनों की निरंतर बाढ़ के बाद भगवान इंद्र का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गोपाष्टमी के दिन ही अपनी हार स्वीकार की थी। इसलिए गोपाष्टमी का त्योहार पूरे ब्रज क्षेत्र में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में गोपाष्टमी कब है। जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपाय। गोपाष्टमी 2024 शुभ तिथि। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर 2024 को रात्रि 11:56 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 9 नवंबर 2024 को रात्रि 10:45 पर। साल 2024 में गोपाष्टमी 9 नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। गोपाष्टमी पूजा विधि। गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निपटकर नहा धोकर साफ या नए कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें और मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद मंदिर में गाय माता की बछड़े के साथ एक तस्वीर लगाएं और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद फूल अर्पित करें और इस दिन गाय को अपने हाथों से हरा चारा खिलाकर गौ माता का चरण स्पर्श करें। अगर आपको अपने घर के आसपास गाय न मिले तो गौशाला में जाकर गाय की सेवा करें और पूजा के लिए सबसे पहले गाय को स्नान कराएं और रोली चंदन से उनका तिलक करें, फिर उन्हें फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। इस दिन गाय को चारे के साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है यदि गोपाष्टमी के दिन गाय माता को गुड़ खिलाया जाए तो सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है। गोपाष्टमी के दिन जरूर करें ये काम। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी व्रत के दिन गाय माता की पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर गाय माता को शुद्ध जल से स्नान कराकर फूल माला और नए वस्त्र पहनाकर रोली चंदन का तिलक लगाने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ माता को फल, मिठाई, आटे व गुड़ की भेली, पकवान आदि बनाकर खिलाने से और धूप दीप जलाकर आरती करने से भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है।